हरियाणा की माटी से जुड़ा। किसानों की सुनने वाला, किसानों की बोलने वाला, किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने वाला, किसानों के सुख दुख का साथी, जनता टीवी आपकी ताकत। भ्रष्टाचार, अपराध, अन्याय, गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ उठाएं आवाज। नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम बोल जनता बोल। मैं हूं साकेत सुमन। मैं हूं पूजा यादव। मैं हूं आपके साथ जीना सिद्दीकी, बेहद ही गंभीर सवाल के साथ, सीधे सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। आपकी जिंदगी से जुड़े हर मसले पर बोलने का देते हैं आपको मौका। स्वागत है आपका। सर, मन से एक और ऐसा सवाल, आज हम आपसे यही जानने की कोशिश करें, एक बड़ा तजुर्बा रखते हो पार्टी का, ऐसे में आम जनता क्या सोच रही है। बनते हैं आपकी आवाज, आपकी ताकत, बनिए बोल जनता बोल का हिस्सा। देखिए रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 8 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। राजनीति के गलियारों में जब मचती है हलचल, सत्ता की चाह जब जनता को करती है गुमराह, सियासत की उठा पटक के बीच जब समझ न आए खबरों की हकीकत, तो देखें जनता टीवी। हम दिखाएंगे आपको निष्पक्ष और सीधी खबर। आपका एमएलए में स्वागत है आप सभी का। आप सभी के साथ मैं हूं पूजा यादव। आज आपका एमएलए में हम बात करेंगे पलवल जिले के पलवल विधानसभा क्षेत्र की। जी हां, तो चलिए एक बार नजर डालते हैं हलके पर। पलवल हलका जिले का अच्छा खासा शहर है और नगर पालिका भी। करीब 6 लाख की आबादी वाला पलवल हलका जिले का हेडक्वार्टर भी है। दिल्ली से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर बसा पलवल काफी पुराना शहर है। यूं तो पलवल विकास की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आम जनता को बुनियादी सहूलियतों के लिए अब भी दो चार होना पड़ता है। साल 1991 से लेकर साल 2005 तक लगातार पलवल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल ने किया, लेकिन साल 2009 के विधानसभा चुनावों में राजनीतिक समीकरण बदले। करण सिंह दलाल को इनेलो के सुभाष चौधरी ने मात दी और सुभाष चौधरी ने 6676 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। तीन तरफ से यूपी और एक तरफ से राजस्थान से घिरे पलवल में करीब 1,52,000 वोटर हैं। इस शहरी हलके में 31 वार्ड और 31 कॉलोनियां हैं। यहां SC BC मतदाताओं का दबदबा है, जबकि दूसरे नंबर पर जाट मतदाता आते हैं। लोगों की मुख्य समस्याएं सड़कें, पानी, बिजली और सरकारी कॉलेज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पलवल विधानसभा क्षेत्र की कमान इस वक्त विधायक सुभाष चौधरी के हाथों में है, तो चलिए जानते हैं इनका राजनीतिक करियर कैसा रहा। सुभाष चौधरी, विधायक पलवल, पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल, 6672 वोटों से जीत हासिल की। विधायक सुभाष चौधरी 1 अप्रैल 1952 को पलवल में जन्मे। इन्होंने पलवल में ही मैट्रिक तक पढ़ाई की
इनके राजनीतिक करियर की बातें करें तो सुभाष चौधरी ने नगर परिषद के चुनाव से शुरुआत की और 1990 में सुभाष चौधरी पार्षद चुने गए। इसके बाद सुभाष चौधरी ने नगर परिषद के प्रधान का पद संभाला। 1996 में चौधरी ने पलवल विधानसभा क्षेत्र से अपना पहला चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ा, लेकिन हार गए। साल 2000 में सुभाष चौधरी ने बसपा के टिकट पर एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन इस बार भी जीत नहीं सके और तीसरे नंबर पर रहे। 2009 के विधानसभा चुनावों से पहले सुभाष चौधरी ने बसपा छोड़ इनेलो का दामन थाम लिया। इनेलो के टिकट पर लड़े सुभाष चौधरी इस बार जीते और विधायक बने। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हाँ, पलवल से विधायक सुभाष चौधरी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद भी हैं। आप लोग फोन कॉल कर सकते हैं 01143214321 पर और सीधे अपने एमएलए से आप सवाल पूछ सकते हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका जनता टीवी के खास कार्यक्रम में। मैडम जी, सुभाष जी, आपने पहली बार जिम्मेदारी संभाली है इस बार पलवल की, विपक्ष के आप विधायक हैं, ऐसे में क्या कुछ काम कर पाए हैं आप अपने क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में जनरली जी एक मुख्यमंत्री जी ने टेंडेंसी बना रखी है कि अपोजिशन के जितने भी विधायक हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं चाहे इंडियन नेशनल लोकदल के, उनके क्षेत्रों में कोई काम नहीं करना जी। इवन हमारे यहाँ आज 1.25 साल हो गए, मुख्यमंत्री जी 1 अप्रैल 2011 को घोषणा कर गए थे स्वयं या पलवल निश्चित पलवल में कि हम पुल बनाएंगे सावटे रसूलपुर फाटक पर पुल बनाने का काम करेंगे जी। हम खादर की सड़कों का जाल बिछा देंगे, खादर के 12 गांव जो कि बिल्कुल पलवल क्षेत्र के लास्ट में खादर के, उनमें अभी तक ना सड़कें बनाई ना वो बनाई। मेरी बहुत बढ़िया मांग थी जो जरूरत भी है, महिला कॉलेज, मैंने विधानसभा में भी मांगा, मुझे आज तक विधानसभा में महिला कॉलेज का मुख्यमंत्री का कोई आज योगदान नहीं है। वो ये कहते हैं क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री का जो समधी है वो हारा हुआ, जो मैंने हराया विधायक पूर्व विधायक, वो मुख्यमंत्री का समधी है। सुभाष जी, बने रहिए, सुभाष जी बने रहिए, एक दर्शक हमारे साथ है, पहले जानते हैं उनका सवाल क्या है आपसे। हरजिंदर जी बताएं, क्या सवाल है आपका एमएलए से? मेरा सवाल ये है जी इनसे, ये जो एमएलए जो पिछले पूर्व विधायक थे करण दलाल, लगातार बोलते रहते हैं मैंने चौटाला साहब को अंदर कराया, ये कराया वो, तो राजनीति यहाँ सुधार करने के बजाय माहौल को और बिगाड़ रहे हैं जी। तो इसमें इनका क्या, सुभाष चौधरी जी यहाँ विकास कराने में क्या रोल है, हम कर रहे हैं विधानसभा में मुद्दे उठा रहे हैं या फिर? चलिए हरजिंदर जी का सवाल लेकर सीधा चलते हैं एमएलए जी के पास। सुभाष जी, सवाल आपसे ये है कि जो आम आदमी के जो मुद्दे हैं, जो मसले हैं, उन्हें आप विधानसभा में किस तरह से उठा रहे हैं कि अभी तक उन पर कोई भी काम ही नहीं हो पाया है? मैंने विधानसभा में 4-3 जी, मैंने 5 वर्ष 17 विधानसभा में पलवल क्षेत्र के लिया, एजुकेशन के क्षेत्र में महिला कॉलेज की मांग रखी, मैंने यूनिवर्सिटी की मांग रखी, मैंने रसूलपुर फाटक डिपो ले उस पर मांग रखी, खादर की सड़कों की मांग रखी, पब्लिक सीवर हेल्थ में जो पलवल के सीवर है जो ओवरफ्लो है वो सारी मैंने मांग रखी, इन सीवरों को ठीक दोबारा से बनाया जाए। मैंने पानी जो लोहागढ़ का इनका हमारे पलवल को लोहागढ़ में जो इन्होंने वो स्टोरेज बना रखा है उसमें लाइट मिलती नहीं और वो कभी स्टॉक होता नहीं, तो पलवल में अमूमन पानी की सप्लाई की कमी रहती है। आप बने रहिए, सुभाष जी देवेंद्र हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी बताएं, क्या सवाल है आपका सुभाष जी से? मैडम, मैं पूछना चाह रहा हूँ, कोई भी सरकार भर्ती निकालती है और उसकी सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है, उसका केस था कोर्ट में, जैसे पशु परीक्षर का वो किया था इन्होंने, वैकेंसी निकाली थी मैडम और उसकी सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी थी मैडम और मान लो फिर बाद में ना कुछ टाइम के बाद इन्होंने कैंसिल कर दिया मैडम, बेरोजगारों के साथ ये तो एक अन्याय हो रहा है मैडम। कौन सी पोस्ट की आप बात कर रहे हैं देवेंद्र, कौन सी पोस्ट की बात कर रहे हैं आप? जी मैडम, पशु परीक्षर की, पशुपालन विभाग में निकाली थी मैडम। ठीक है, पशु परीक्षक की जो वैकेंसीज निकाली गई थी सुभाष जी,
उसके लिए पूरी प्रक्रिया होने के बाद में, पूरी होने के बाद में आपने कैंसिल कर दिया, जो भी भर्तियां हुई आपने उनको रद्द कर दिया? कौन सी भर्ती मेरे को क्या दी? सुभाष जी कौन सी भर्ती पूछ रहे मैडम दोबारा? पशु परीक्षक की जो भर्तियां थी उसके लिए बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेरा कोई लेना देना नहीं पशु परीक्षा से, ना मैंने कोई रद्द करी। कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन है जो मैंने नियुक्ति नहीं की, वो कोई इसका जो विधायक आ रहा हुआ उसका छोटा भाई कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन है जिला फरीदाबाद और पलवल का, उसने नाजायज तरीके से भर्तियां करी थी। मैंने हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखी, हरियाणा सरकार ने उनको अवैध पाया और उनको रद्द करवा दिया। वो कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मसले है, ना कि किसी और बैंक में के। चले एक और दर्शक हमारे साथ हैं, आप बताइएगा राजेंद्र जी आपका क्या सवाल है सुभाष जी से? हेलो, हाँ जी बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैं विधायक जी से ये सवाल करना चाहता हूँ। जी बताएं, अभी आने वाली जो सरकार है वो इंडियन नेशनल लोकदल की होगी और उसमें सरकार आने से क्या ये मतलब कि पेट्रोल डीजल के कुछ रेट कम होंगे? सुभाष जी, राजेंद्र जी का कहना है कि अब अगर आने वाले वक्त में इनेलो की सरकार सत्ता में आती है तो जिस तरह से अब सरकार को लगातार घेर रहे हैं महंगाई की मार को लेकर, क्या आपके शासनकाल में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कोई ना कोई लगाम कस पाएंगे आप लोग? पेट्रोल डीजल तो सेंटर का काम है मैडम, लेकिन फिर भी हमारी सरकार जो सत्य जो लोगों को रियायत देने की कोशिश करेंगे। अगर सरकार आती है तो हम अपने मुख्यमंत्री जी से इस बात की पूरी संभावना रखेंगे कि हरियाणा के लोगों को डीजल पेट्रोल में जो अपनी सरकार अपने रेटों में कहीं कम बढ़ती हो सके उसमें उसे कम करने की कोशिश करेंगे। चलिए, सुभाष जी का कहना है कि अगर नैलो आती है सत्ता में तो जाहिर सी बात है कि अपनी तरफ से जितनी कोशिश ये लोग कर सकते हैं उतनी कोशिश जरूर करेंगे। सुभाष जी, यहाँ पर एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि महिला कॉलेज की आपने डिमांड रखी, वो महिला कॉलेज आप नहीं बनवा पाए क्योंकि आप विपक्ष के विधायक हैं, दूसरी बात आपने रखी कि जो खादर में सड़क जाल है वो आप नहीं बिछवा पाए, लेकिन इसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं हैं आम जनता की, आप उनके लिए क्या कुछ कर पाए हैं? मूलभूत सुविधा जैसे यमुना नदी पे बैराज का बनना, क्योंकि जो ये परियोजना बनाई है रेनीवाल परियोजना, इससे हमारे क्षेत्र के जो 50-60 गांव हैं उनमें पानी का नीचे चला जाना। तो मैंने यमुना बैराज पर रहीमपुर पे ये कहा था मुख्यमंत्री जी को, मेरा बड़ा 8 घंटा चर्चा हुई थी सदन में कि मुझे बैराज दे दिए जाए ताकि मेरे 50-40 गांव नजदीक के मेरे क्षेत्र के क्षेत्र के बराबर भी दूसरे क्षेत्र के भी इनमें पानी की समस्या ना हो। ना मुझे यमुना नदी में बैराज देने का काम किया और ना ही उसके जो हरियाणा से लगते हुए कुलैना और ये जो कुलैना रसापुर से लेके काशीपुर फाजनगर तक जो पत्थर की ठोकर लगनी चाहिए वो भी आज तक लगाने का काम मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया। मुख्यमंत्री जी का तो एक ही कहना है कि पलवल को मैं विकास कार्य तो दूंगा नहीं। चले योगेंद्र जी हमारे साथ हैं, योगेंद्र जी पूछे क्या सवाल है आपका? हेलो योगेंद्र जी, सवाल क्या है आपका एमएलए से? मैम मेरा भूपेंद्र नाम है। हाँ भूपेंद्र, चलिए माफ कीजिएगा, बताएं क्या सवाल है आपका? ये पूछना चाहता हूँ, तो आज रैली हुई है वीरेंद्र सिंह की। जी भूपेंद्र जी, जो आज वीरेंद्र सिंह की जो जींद में रैली हुई है, हाँ हाँ, तो उससे जो हुड्डा थेमा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में? उपेंद्र जी, उसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे, हमारे जो अलग कार्यक्रम है उसके अंदर उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल क्या एमएलए से आपको कोई सवाल है? चलिए शुक्रिया आपका। तो आप लोग हमारे इस कार्यक्रम के जरिए अपने एमएलए से सीधे बात कर सकते हैं। सुभाष चौधरी जी फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आपकी समस्या क्या है, आपके क्षेत्र में कैसा विकास हुआ है, विकास हो पाया है क्या फिर नहीं हो पाया है, आपके जो भी सवाल हैं आप सीधे फोन कॉल पर पूछ सकते हैं अपने विधायक से। फिलहाल किशन हमारे साथ हैं, किशन जी बताइएगा क्या सवाल है आपका सुभाष जी से? मैम मेरा सवाल ये है विधायक जी से। जी बताएं। विधायक महोदय के घर के सामने मैम ये जो सड़कें हैं NH2 तो इस पे पेड़ लगे हुए हैं मैम। हाँ, तो हम रोज यहाँ से गुजरते हैं तो देखते हैं कि पेड़ों को लोग काट रहे हैं इलीगल तरह से सर मैम।
तो विधायक जी की भी जो है ना उन पर निगाह पड़ती होगी, इसके बारे में विधायक जी जानना चाहता हूँ, क्या कोई इस तरह की विशेषता इन लोगों को पनिशमेंट दी जाए, या ये वहाँ इनका मकान है ये भी तो देखते होंगे मैम, पर्यावरण के प्रति इन लोगों का मुझे नहीं लगता कुछ भी कोई सहयोग। किशन जी आप बने रहिए हमारे साथ लाइन पर, आपका सवाल पहुँचाते हैं हम सुभाष जी तक। सुभाष जी, किशन जी का कहना है कि आपके घर के आसपास में ही जो सड़कों के किनारे पेड़ लगे हुए हैं उन्हें अवैध तरीके से काटा जा रहा है, क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है, क्योंकि आपके बिल्कुल घर के आसपास बता रहे हैं वो। हाँ, इनके इनका बहुत बढ़िया सवाल है। हाँ जी, एक दिन मुझे दो तीन लेली जिसे डालों को काटती मिली। हाँ, आप मानोगे नहीं, मैंने उनकी लकड़ी उठवाई और थानेदार को टेलीफोन करा। वो थानेदार ने ये करके छोड़ दी कि गरीब है छोड़ दिया जाए। ये किसान है, इनका सवाल बहुत अच्छा है। हाँ, और मैं भी इस बारे में जब भी निकलता हूँ ध्यान में रखता हूँ कि नाका ने वन इसको एनएच को शिकायत भी करी है, लेकिन यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नाम की पलवल में कोई चीज नहीं है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मर्जी से एक सुई भी इधर से उधर नहीं रख सकता, और तो बहुत लंबा काम है। चलिए, लेकिन इस बाबत आपने अभी तक प्रयास क्या किए हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बता रहे हैं। मैंने एनएच वालों को लिखा है, मैंने एसएचओ मौके को कंसल्ट को कहा है, मैंने एसडीएम साहब को भी कहा था इस बारे में कि इसका ध्यान रखा जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पलवल का बहुत लापरवाह, किसी भी चीज की परवाह नहीं करता। अच्छा, एक बात बताइएगा सुभाष जी, जैसा कि आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी तो आपकी है, क्योंकि जिम्मेदारी आपने ली है आम जनता की, क्योंकि उनकी जो भी हितों की बात है उसका जिम्मा आपने उठाया है। तो फिर अगर आप काम नहीं कर पाएंगे उनके लिए, तो आप कैसे जाएंगे उनके पास अगली बार वो आपको वोट दें? बिल्कुल बहुत तरीके से जाऊंगा। अब आप सुनो, लगा हुआ है बात है, वो मुख्यमंत्री के गांव का लगा हुआ है। अब तो मुख्यमंत्री के गांव का एसपी लग रहा है, वो किसको निकाल देगा? आप ये समझ लो कि एक भी कल परसों उड़ल में जाम लगा, मिपाई दिन मैं भी वहां पहुंच गया, उड़ल में जाएगा उड़ल के हजारों आदमी, उसने सारे एसपी ने वादा करा जनता से गौ कृषि के बारे में किस्सा था, रात को थानेदार ने एसएचओ ने तीन चार सब छोड़ दिए भगा दिए, और उसके बारे में एसएचओ को सस्पेंड कराने लोगों को क्या कर दिया, दूसरे दिन दूसरे थाने में लगा दिया। ये हमारे यहाँ एसपी का हाल है सुभाष जी, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। आप ये कहकर कि आप विपक्ष के विधायक हैं, या फिर ये कहकर कि एसपी मुख्यमंत्री के बेहद करीबी हैं, या फिर उनके रिश्तेदार हैं, इस तरह के एक्सक्यूज देकर आप आम जनता की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। साथ हमारे अगले दर्शक रणदीप जी, पूछिए क्या सवाल है आपका सुभाष जी से। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पूछे संत गोपाल दास जी ने 102 दिन से जो है अनशन पर बैठे हैं, इस सरकार का क्या इरादा है इसको बचाने का या खत्म करने का, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, चार आदेशों की अवहेलना हो रही है। रणदीप जी, आज हमारा कार्यक्रम पलवल से विधायक से सवाल पूछने पर निर्भर करता है, निर्धारित है उसी के ऊपर, तो आप उसमें अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आप हैं इस वक्त हमारे साथ? चलिए, संपर्क फिलहाल टूट चुका है, लेकिन आप सभी दर्शकों से अपील करेंगे, आप हमारे इस कार्यक्रम में अपने विधायक से सवाल पूछने के लिए ही फोन कॉल कीजिए। आपकी इन तमाम समस्याओं को, इन सारी बातों को सुनने के लिए हमारी हेल्पलाइन 24/7 काम कर रही है, आप उस पर फोन कॉल कर सकते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद में। फिलहाल आप अपने MLA से सीधे बातचीत कर सकते हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने उन्हें अपनी जिम्मेदारी सौंपी है, आपने उन्हें ये जिम्मा दिया है कि वो आपके हितों की आवाज़ को उठाएं और सरकार तक पहुंचाएं, आपकी ज़रूरतों को वो समझें, आपकी परेशानी को वो समझें और उन्हें दूर करने के लिए वो प्रयासरत रहें, उसके लिए वो समाधान खोजें। अगर वो खोज पाएं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई समाधान आप तक नहीं पहुंचा है तो फोन कॉल कीजिए, सीधे आपके विधायक आपके सामने हमारे इस कार्यक्रम के जरिए उनसे आप पूछ सकते हैं। सुभाष जी, जैसे कि आपने कहा कि अभी तक आप काम नहीं कर पाए हैं, वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं है चुनावों में, तो अब आप किस रणनीति के तहत काम करने वाले हैं, क्या क्या कदम उठाएंगे आप आगे चलकर? सुभाष जी, आप हैं इस वक्त हमारे साथ? सुभाष जी, आप हैं इस वक्त? चले, संपर्क फिलहाल टूट गया, लेकिन हम लगातार
उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक आप लोग हमें फोन कॉल कर सकते हैं, तब तक आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग उनके बारे में अभी तक क्या सोच रहे हैं, क्या विचार हैं आपके, क्या वो आपके हितों के लिए काम कर पाए हैं, क्या वो आपके लिए प्रयासरत हैं, आपकी समस्याओं को सुलझाने में अभी तक कारगर कदम उठा पाए हैं या फिर नहीं। फिलहाल आपके पास भी आएंगे, आपकी समस्याओं को भी सुनेंगे, लेकिन इस वक्त विपक्ष क्या कह रहा है चलिए वो सुनते हैं। आज चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो नाली हैं, कोई भी है, किसी भी तरह के विकास कार्य आज पलवल के अंदर नहीं हो पा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि पलवल क्षेत्र में विकास कार्य हो ही नहीं पा रहे हैं। आप चाहे नालियों की बात कर लीजिए, सड़कों की बात कर लीजिए, पानी की समस्या की बात कर लीजिए या फिर बिजली की समस्या की बात कर लीजिए, यानी कि आम जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है और आम जनता इन तमाम जो सुविधाएं हैं इनसे अभी तक महरूम है और इसी बात को स्वीकारते हुए नजर भी आ रहे हैं और वजह बता रहे हैं कि वो विपक्ष के विधायक हैं। फिलहाल आम जनता का क्या ओपिनियन है, उनकी क्या राय है, वो क्या कह रहे हैं चलिए वो सुनते हैं। देखो जी, अभी तक तो कोई ऐसा कोई खास काम किया नहीं उन्होंने, ठीक है ना, क्योंकि इनकी पार्टी है नहीं, आमद जीती नहीं है, अभी जो का सरकार दूसरी है, इस वजह से जो अपने कुछ काम करवाने नहीं पा रहे। देखो जी, काम पार्टी का हो या अपोजिट पार्टी का हो, जिसके हाथ में पैसा होगा वो ही काम कराएगा, जिसके हाथ में पैसा ही नहीं हो क्या क्या काम कराएगा। पलवल के विधायक साहब तो काफ़ी अच्छे हैं, जुझारू है, काम सही करते हैं, बट जो फिलहाल जो विपक्ष हैं उनकी सरकार नहीं है, क्या कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। अब सरकार नहीं आई तो वायदे कहाँ से पूरे करें, वायदे पूरे कराने के लिए तो दाम चाहिए, पैसा चाहिए। ताराचंद इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं। ताराचंद जी पूछिए, क्या सवाल है आपका विधायक से? हेलो, हाँ जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मैं ये कह रहा था, पलवल में जी जाम की समस्या बहुत ज्यादा रहती है जी। हाँ, तो मैं विधायक साहब से डिमांड करता हूँ कि ये जो अपना अलालपुर चौक से और सीधा सहरसा तक फ्लाई ओवर बनवाए सरकार से लेके। ठीक है ताराचंद जी, शुक्रिया आपका। तो ताराचंद जी ने जिस तरह से जानकारी दी है कि यहाँ एक फ्लाईओवर की जरूरत है क्योंकि जाम की समस्या लगातार बनी हुई है, सड़कों की हालत बेहद खस्ता है, मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, कुछ जो जनता है यानी कुछ लोगों का मानना है कि विपक्ष के विधायक हैं इसलिए वो काम नहीं करवा पाए हैं, यानी वो अपने दावों पर खड़े नहीं उतर पाए हैं, वहीं कुछ लोग मान रहे हैं कि वो विपक्ष की भूमिका बखूबी अदा नहीं कर पाए हैं, जबकि उन्हें विपक्ष की भूमिका को बखूबी अदा करना था, अगर वो विपक्ष में हैं तो आम जनता की बात को विधानसभा तक पहुँचाना बेहद ज़रूरी था लेकिन शायद वो नहीं कर पाए हैं। वहीं कुछ ये मान रहे हैं कि उन्होंने काम कराने की कोशिश की है, वो जुझारू नेता हैं लेकिन विपक्ष में होने के कारण वो काम नहीं करवा पाए हैं। तो ऐसे में आप भी कॉल कीजिए 0114321 4321। सुभाष जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष जी एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो ऐसे में आम जनता कह रही है कि आपके क्षेत्र में जाम की बहुत समस्या है, ऐसे में जरूरत है वहां पर एक फ्लावर बनाने की, क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे आप उन्हें? बिल्कुल, वो हाईवे में टेंडर छोड़े हुए हैं, ये तो पुराना पुल बन रहा है, पुल बना नहीं रहे और काम शुरू हो गए, टेंडर छोड़ दिए। मैं आम जनता से को बताना चाहूंगा, चाहे पीड़ित तो साल लगे चाहे दो लगे, ये विधानसभा में मैंने उठवाया था कि हमारा ये जो टेंडर छोड़े हुए हैं इसका बहुत लेट कार्य है, तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही काम करवाएंगे, उस पर काम शुरू हो रहा है। चलिए रणदीप हमारे साथ हैं, सुभाष जी रणदीप हमारे साथ हैं। रणदीप जी बताइएगा क्या सवाल है आपका विधायक से? रणदीप जी आप हैं इस वक्त? चले संपर्क फिलहाल टूट गया। सुभाष जी आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ खास ऐसे मुद्दे होंगे जिन्हें आप उठाना सबसे ज्यादा प्राथमिकता पर रखेंगे? मेरा सबसे पहले तो एजुकेशन पर रहेगा मैडम। मैं ये कहना चाहूंगा आज मुख्यमंत्री को, अगर ये कहता है कि हम विपक्ष के MLA जनता ने जिता के भेजे हैं, तो हम तो सबसे पहले हमें मुख्यमंत्री महिला कॉलेज दे, जो हमारे क्षेत्र में 31 वार्ड है, 2 लाख की 1.5 लाख की आबादी है पलवल शहर की,
उसमें एक भी महिला कॉलेज नहीं है, एक महिला कॉलेज है, एक को कॉलेज है। तो महिला लिया हुआ महिला जो प्राइवेट कॉलेज है वो सरस्वती महिला कॉलेज है। मैं तुरंत आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी कहना चाहूंगा, अगर वो ये कहता है कि मैं पहले तो महिला को कहता प्राथमिकता, प्राथमिकता से जब दी जाए कि मैं आपके माध्यम से कहूँ और मुख्यमंत्री कल ली महिला कॉलेज की। चलिए सुभाष जी बिल्कुल वापस आएंगे आपके पास, लेकिन सवाल पहले जान लेते हैं संजय जी का क्या है। संजय जी पूछिए क्या सवाल है आपको विधायक से। संजय जी हाँ पूछे, पूछिए सवाल क्या है आपका। मैडम जी मेरा सवाल ये है कि विधायक जी अलावलपुर चौक से और इधर बस स्टैंड की तरफ जाते हैं तो अलावलपुर चौक से ही कहीं से जाम लगना शुरू हो जाता है और बस स्टैंड से लेके उधर तक अपना आगरा चौक तक ये खुद भी उनमें से निकल कर जाते हैं। आपको तो उनको टाइम मिल जाती है लेकिन आम लोग क्या कर पाएंगे। कौन सा चौक बताया संजय जी आपने वो? अलावलपुर चौक से और आगरा चौक तक। अलावलपुर से आगरा चौक जी इतना जाम होता है, ये खुद अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, इनको तो टायर मिल जाती है। चलिए संजय जी आपका सवाल लेकर चलते हैं हम सुभाष जी के पास। अरावल चौक से आगरा चौक तक बहुत ज्यादा जाम की समस्या है, इनका कहना है कि आप तो वहां से गुजर जाते हैं लेकिन आम जनता को वहां से गुजरने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्या कदम उठाएंगे आप इनकी समस्या के लिए? सुभाष जी क्या कदम उठाएंगे आप इनकी समस्या के लिए? मैंने रोज SHO ट्रैफिक SP से इसी बात को कहता हूँ कि या चार चार सिपाही फालतू लगा दिए जाए, लेकिन इतना बेया SP है कि ये ठीक कह रहे हैं। मैं भी नहीं निकलता, मैं भी कई बार जाम में फंसा रहता हूँ, अलालपुर चौक से लेकर आगरा चौक बहुत जाम रहता है। आप ये लगा मैं आपके प्रोग्राम में आ रहा हूँ, मैं गुड़गांव से जा रहा हूँ पलवल, तो ये यार पलवल है। यानी कुल मिलाकर व्यवस्था चाक चौबंद होने की जगह पर पूरी तरह से डगमगा चुकी है सुभाष जी, पूरी डगमगा दी है। एडमिनिस्ट्रेशन नाम की है नहीं, ना DC। मैं तो फिर भी जनता को, अपनी जनता को, क्षेत्र की को ये धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने संघर्ष चार साल बाद भी, इतने तकलीफ और कष्ट देने के बाद भी मेरी बात को सुनती भी है और मुझे उसका लाभ आशीर्वाद और प्यार आज भी इतना है कि दोबारा जब मैं चुनाव में जाऊंगा तो मेरी जनता मुझे, मेरी नैया को दोबारा चुनाव लड़ा। चलिए एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ हैं, आप बताइएगा क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप विधायक से? संजय जी चलिए संपर्क लगता है फिलहाल टूट गया, लेकिन अमर इस वक्त हमारे साथ है। अमर जी आप बताइएगा क्या सवाल है आपका विधायक जी से? हेलो हाँ बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मैं अमर सिंह बोल रहा हूँ महेंद्रगढ़ से जी। जी अमर सिंह जी बताइएगा क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि जी हम 15,000 गैस टीचर जो हरियाणा गवर्नमेंट ने लगाए थे जी, वो आज उनकी रोजी रोटी का सवाल है, वो जो है ना पड़ाव रोहतक में डाल रखा है, क्या इनका विपक्ष में होते हुए ये फर्ज नहीं बनता कि विधानसभा में आवाज को उठाएं? एक बार फिर से अपना मसला दोहराएंगे प्लीज। जी मैं ये कह रहा हूँ कि आज 15,000 गेस्ट टीचर हैं जो सरकार ने लगाए थे, उनकी रोजी रोटी आज छिनने जा रही है, और MLA साहब हैं, अभी सेशन शुरू हो रहा है, तो इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा है कि इनको पक्का किया जाए, इनकी पार्टी ने माना है कि ये जो है पूरी मेहनत से इन्होंने सारा काम किया है। हाँ। तो मेरा यही है कि ठीक है आपका सवाल लेकर हम चलते हैं अमर सिंह जी, आपका सवाल सीधे लेकर चलते हैं हम। सुभाष जी अमर सिंह महेंद्रगढ़ से बात कर रहे हैं, लेकिन उनका जो सवाल है वो ये है आपसे कि आप विपक्ष के विधायक हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपने गेस्ट टीचर्स के हित के लिए क्या अभी तक कोई आवाज उठाई है? गेस्ट टीचर को हमारे पहले उपप्रकाश चौटाला जी ने आवाज उठाई थी सदन में, एक ही तरफ से जो अभियान है कि आम सदस्य होती है तो इनकी आवाज सदन में पिछले सदन में उठाई गई थी, याद साथियों को याद नहीं होगा। अभय सिंह चौटाला ने और ओम प्रकाश हमारे अपने प्रधान जी अशोक अरोड़ा जी ने जी ने गेस्ट टीचर की आवाज उठाई थी। चलिए सुभाष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में पूरी बातचीत के लिए। तो साफ तौर पर उनका कहना है कि प्राथमिकता पर अब जो मसले रहेंगे उसमें सबसे पहले है एजुकेशन। और चलिए अब देखते हैं कि विधायक के दावे क्या कहते हैं, जनता कितने हद तक उन दावों को स्वीकार करती है और जनता टीवी का सर्वे क्या कहता है। तो विधायक के दावे 52% रहे जिनमें से जनता की राय कहती है कि 49% तक ये दावे पूरे किए गए हैं। जनता टीवी का सर्वे कहता है कि 51% तक ये दावे सच्चे हैं और इन पर प्रयास किया गया है, यानी कुल मिलाकर बिल्कुल सेफ जोन में नजर आ रहे हैं सुभाष चौधरी जी जो पलवल से
विधायक हैं। चलिए इसी के साथ फिलहाल आपका एमएलए में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है, इसलिए लगातार आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।